अहोई माता का है आशीर्वाद, जीवन में भरते खुशियों का प्रसाद। संतान को दीजिए स्वास्थ्य और बल, कभी ना हो जीवन में कोई विघ्न या छल। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को अहोई अष्टमी की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। तो आज हम आपके साथ अहोई माता की कथा कहने वाले हैं और साथ ही साथ इसका अध्यापन विधि क्या होगी ये भी हम आपको बताने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने आपके साथ अहोई माता की जो पूजा है वो किस शुभ मुहूर्त में की जाएगी वो भी हमने आपके साथ शेयर किया है। अहोई अष्टमी व्रत कथा का विशेष रूप से माताओं द्वारा अपने संतान की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए रखा जाता है। ये व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है और इसका विशेष महत्व है, खासकर उत्तर भारत में। अहोई अष्टमी की कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार अपने 7 बेटों और 7 बहुओं और 1 बेटी के साथ रहता था। उसकी बेटी भी घर के कार्यों में निपुण थी और घर की जिम्मेदारियों में हाथ बटाया करती थी। दीपावली से कुछ दिन पहले साहूकार की बहुएं और बेटी घर के आंगन में लीपने के लिए मिट्टी लेने गईं। मिट्टी खोदते समय साहूकार की बेटी की खुरपी से एक सियाऊ मादा यानी साई के बच्चे मर गए। जब साहू ने देखा कि उसके बच्चे मर गए हैं तो वह अत्यंत क्रोधित हो गई और साहूकार की बेटी को श्राप दिया। उसने कहा, जिस प्रकार तूने मेरे बच्चों को मारकर मुझे निसंतान किया है उसी प्रकार मैं तुझे भी निसंतान कर दूंगी, तेरी कोख बांध दूंगी। यह सुनकर साहूकार की बेटी बहुत डर गई। उसने अपनी भाभियों से विनती की कि वे उसके बदले अपनी कोख बंधवाएं, परंतु सभी भाभियों ने मना कर दिया। अंततः साहूकार की सबसे छोटी बहू ने नंद के लिए अपनी कोख बंधवाने का निर्णय लिया। उसके बाद छोटी बहू की कोख बंध गई और जब भी उसे संतान होती तो वह 7 दिन के भीतर ही मर जाती। साल दर साल अहोई अष्टमी का व्रत आता, उसकी जेठानियां व्रत रखती और संतान की लंबी आयु की कामना करती, जबकि छोटी बहू घर में बैठकर रोती रहती। एक दिन परिवार ने एक ब्राह्मण को बुलाया और समाधान जानने की कोशिश की। ब्राह्मण ने कहा, इस श्राप से मुक्ति के लिए तुम्हें सुरई गाय की सेवा करनी चाहिए, जो स्याऊ की सहेली है। यदि सुरई गाय स्याऊ माता से कहेगी तो शायद स्याऊ माता तुम्हारी कोख खोल देंगी। यह सुनकर छोटी बहू ने सुरई गाय की सेवा शुरू कर दी। वे प्रतिदिन सुबह उठकर गाय का गोबर साफ करती, उसे चारा डालती और साफ पानी देती। सुरई गाय ने यह देखा, सोचा, यह सुबह सुबह मेरी सेवा कौन कर रहा है। उसने छोटी बहू से पूछा और पूरी बात जानकर उसे स्याऊ माता के पास ले जाने का वादा किया। सुरई गाय और छोटी बहू 7 समंदर पार स्याऊ माता के पास पहुंची। रास्ते में एक पेड़ के नीचे रुकते समय छोटी बहू ने एक गरुड़ के बच्चों को सांप से बचाया। गरुड़ पंखनी ने आशीर्वाद स्वरूप उन्हें स्याऊ माता तक पहुंचा दिया। स्याऊ माता ने सुरई गाय को देखा, कहा, बहन इतने दिनों बाद आई हो, अब आ ही गई हो तो मेरे सिर की जुए निकाल दो। छोटी बहू ने स्याऊ माता के सिर से जुए निकाल दी। स्याऊ माता इस सेवा से प्रसन्न हो गई और छोटी बहू से वर मांगने को कहा। छोटी बहू ने कहा, आपने मेरी कोख बांध रखी है, कृपया आप उसे खोल दीजिए। जिसे सुनकर स्याऊ माता ने उसकी कोख खोल दी और आशीर्वाद दिया कि उसके 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। यह जानकर छोटी बहू ने अहोई माता का उद्यापन किया। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई दी और व्रत पूर्ण किया, जिससे जेठानियां आश्चर्यचकित थी कि उसकी कोख कैसे खुली। छोटी बहू ने पूरी कहानी सुनाई और सभी ने अहोई माता की जय जयकार लगाई। इस कथा के अंत में सभी ने अहोई माता से प्रार्थना की, हे अहोई माता, जैसे आपने साहूकार की छोटी बहू पर कृपा की, वैसे ही हमारी संतानों पर भी अपनी कृपा करना। इस कथा का श्रवण करें उस पर भी अपनी कृपा बनाना और जो पढ़े उस पर भी अपनी कृपा बनाना। बोलो अहोई माता। ऐसी मान्यता है कि गणेश जी की कथा के बिना कोई भी व्रत अधूरा माना जाता है। अहोई अष्टमी के दिन भी आपको गणेश जी की इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा और बहू थी। वे बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी हर रोज बुढ़िया माई से कहते, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया माई कहती, क्या मांगू? तो गणेश जी बोले, अपने बेटे से पूछ ले। तो बेटा बोला, माँ धन मांग ले। बहू से पूछने लगी तो बहू बोली, सासू जी पोता मांग लो। बुढ़िया ने सोचा कि दोनों अपने मतलब की बात कर रहे हैं, सो पड़ोसन से जाकर पूछा। तो पड़ोसन से जाकर बोली कि गणेश जी मेरे को बोलते हैं कि कुछ मांग ले। तो पड़ोसन बोली, पगली क्यों तू धन मांगे, क्यों तू पोता मांगे, थोड़े दिन की जिंदगी है, अपनी सुंदर काया मांग ले। घर आकर बुढ़िया माई सोचने लगी कि बेटा बहू की भी राजी हो और उनकी भी माननी चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आए, बोले, बुढ़िया माई मांग क्या मांगती है। बुढ़िया ने कहा,
मुझे सुंदर काया सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीजे दे, सारा परिवार दे, सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया। अब जैसा बोला है वैसा ही गणेश जी ने उनको आशीर्वाद दिया और वहाँ से अंदर ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई को यह सब कुछ मिल गया जैसा उन्होंने मांगा था। हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे सभी को देना। बोलो गणेश महाराज की जय। अहोई अष्टमी की उद्यापन विधि इस प्रकार है। एक थाल में 7 जगह, 4-4 पूरियाँ और हलवा रखना चाहिए। इसके साथ ही पितृवर्ण की पोशाक, साड़ी, ब्लाउज एवं रुपए आदि रखकर श्रद्धापूर्वक अपनी सास को उपहार स्वरूप देना चाहिए। आपकी सास को चाहिए कि वस्त्र आदि को अपने पास रखकर शेष सामग्री हलवा पूरी आदि को अपने आस पड़ोस में वितरित कर दे। यदि कोई कन्या हो तो उसके यहाँ भिजवा दें। बोलो जय श्री राधे।